हेलो गाइस, फिर से भी आप लोग को स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक में आप अपने अकाउंट को कहाँ कहाँ लॉगिन है वो आप देख सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको फेसबुक अकाउंट कहाँ कहाँ एक्टिव है ये आप देख सकते हो। जैसे कि हमने बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह में अपने फेसबुक अकाउंट को एक्टिव कर रखते हैं, तो वहाँ से हमें डिसेबल कैसे करना है ये हम आप लोग को आज इस वीडियो में बताएंगे। और हमारा जो एम है, हमारे चैनल का जो एम है वो है कि हमारे चैनल का जो एम है कि आपकी लाइफ को सिंपल और ईजी बनाना है। इसीलिए हम 3 मिनट के अंदर ही वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो और आपकी वक्त भी बचे। इसलिए आपकी लाइफ को सिंपल और ईजी बनाने के लिए हम 3 मिनट के अंदर ही वीडियो लाते हैं। और आप फेसबुक से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट फेसबुक प्रॉब्लम नाम करके बना हुआ है, आप वहाँ जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ करना है। पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इससे हमें पता चलता है हमारे वीडियो को किन किन लोगों को पसंद आती है। और सेकंड काम है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी हर घंटे की वीडियो आप तक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। देख सकते हो मैंने अपने फेसबुक पे जा चुकी हूँ। अब यहाँ पे अपने फेसबुक को ओपन कर लेना। जैसे देख सकते हो फेसबुक को ओपन जैसे ही करोगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऑप्शन को क्लिक करते हो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। आप जैसे सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करते हो देख सकते हो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हो जैसे मैंने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं, देख सकते हो मैंने स्क्रॉल डाउन करते रहो, स्क्रॉल जैसे ही करते रहोगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर यहाँ पे परमिशन पे आता है ऐप एंड वेबसाइट। जैसे ऐप एंड वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपको, सॉरी गाइस मैं वहाँ पे दूसरी जगह क्लिक हो गया था। देख सकते हो यहाँ ऐप एंड वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद सी मोर पे क्लिक करते हो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऐप में आप एक्टिव किए थे देख सकते हो मेरा जो रेसो में है ये सब में मेरा जो है फेसबुक अकाउंट वो एक्टिव है। तो व्यू रिमूव अकाउंट एंड वेबसाइट ये सब आप से यहाँ से देख सकते हो, टर्न ऑन भी कर सकते हो, टर्न ऑफ भी कर सकते हो गेम एप्लीकेशन के लिए। तो मैं जो कहूँगा कि आप जहाँ से हटाना चाहते हो वहाँ पे आप जैसे देख सकते हो पबजी में है, तो आप यहाँ से हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ऐसे पता चलता है जैसे कि मान लो कि तुम्हारा आईडी कोई हैक किया हुआ हो, तो आप मान लो कि तुम्हारा ई किया हो, आप यहाँ से जाके उसके पबजी से रिमूव भी कर सकते हो। तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।